बनाएंगे आलू के कुरकुरे कटलेट्स। इसके लिए हमने 5 से 7 आलू उबालकर छील लिए, थोड़ी सी भुनी हुई सूजी और स्लाइसेस लिए हैं। आलू को मैश करके मिलाने के लिए हमने लिया है अदरक, हरी मिर्च, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, धनिया और नमक। और आज हम बनाएंगे इसके साथ बहुत ही टेस्टी इमली की चटनी। इसके लिए हमने इमली लिया है और लहसुन, हरी मिर्च। तो आइए ब्रेड के किनारों को काट कर निकाल लेते हैं। एक स्लाइस का एक कटलेट बनता है, आपको जितने कटलेट बनाने हैं उतने स्लाइस आप ले लीजिए। तो स्लाइसेस अब रेडी हैं। तो आइए अब आलू को मैश करते हैं और उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। आलू को हाथ से ही मैश करें, इसको बहुत बारीक ना करें। तो इसमें अब नमक, भुना हुआ जीरा, हरी धनिया, कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च, चाट मसाला डाल देंगे। इन सबको मिक्स करके इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको कटलेट के शेप में बनाकर रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं। आइए अब इसको ब्रेड में फिल करते हैं। ब्रेड को हमने पानी में भिगोकर निचोड़ लिया है। अब इसमें स्टफिंग को भरकर लपेट देंगे और चारों तरफ से बराबर कर देंगे। इसके बाद भुनी हुई सूजी में रखकर चारों तरफ से इसे लगा देंगे। इसको हाथ से दबा देंगे ताकि सूजी इसमें चिपक जाए। इसी तरह बाकी स्लाइसेस को भी बना लेंगे। देखिए हमारे सारे कटलेट्स फ्राई करने के लिए रेडी हैं। अब आइए इमली की चटनी बनाते हैं। नमक, लहसुन, हरी मिर्च को हम दरदरा पीस लेंगे। इमली को कुछ देर भिगोकर हमने उसका पल्प निकाल लिया है। अब इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए चटनी का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। आइए अब रिफाइंड ऑयल में कटलेट्स को डीप फ्राई करते हैं। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखें जब तक आप कटलेट फ्राई कर रहे हैं। और इसे बीच बीच में पलटते रहें ताकि ये बराबर से गोल्डन ब्राउन होते रहें। चलिए ये हो चुके हैं, इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये है ना मज़ेदार। अब बचे हुए कटलेट को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।